आज हम बात करने वाले इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन से जो मुझे यहाँ पे लोन मिला है, तो पूरे 20,000 रुपए का यहाँ पे लोन मिला है और 6 मंथ की ईएमआई के ऊपर मुझे यहाँ पे लोन प्रोवाइड हुआ है। तो एप्लीकेशन कौन सी है, कैसे आपको लोन मिल जाएगा, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है, जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है वो रहने वाली है सिर्फ पैन कार्ड और साथ में यहाँ पे आधार कार्ड। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना है तो आपके पास एक नेट बैंकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आपके पास एक डेबिट कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई करेंगे तो विदाउट स्टेटमेंट और विदाउट सैलरी स्लिप आपको इस एप्लीकेशन से 1,000 से लेके 25,000 के बीच का आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब मैं चलता अपनी प्रॉपर स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में यहाँ पे बताया था कि जब मुझे यहाँ पे लोन मिला तो पूरे 20,000 रुपये का यहाँ पे मिला, तो वो भी आप इस स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे लोन मिला तो पूरे 20,000 रुपये का यहाँ पे लोन मिला, जिसकी ड्यू डेट यहाँ पे 2 तारीख की आपको दिख रही होगी और यहाँ पे ऑटो इनेबल यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक नेट बैंकिंग है या आपके पास एक डेबिट कार्ड है तो आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा सिबिल स्कोर था यहाँ पे 573 सिबिल स्कोर के ऊपर भी एप्लीकेशन ने हमारे यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर दिया। तो आप यहाँ पे दो देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कम सिबिल स्कोर था, फिर भी कंपनी ने हमारे यहाँ पे 20,000 रुपए का यहाँ पे लोन दे दिया। तो कितने हमारे खाते में या कितने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे तो वो भी मैं आपके यहाँ पे बताऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंट कैश आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सिर्फ आपको इंस्टेंट ही लोन मिल जाएगा, वो भी 2 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट स्कोर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे अच्छी है तो भी आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रिपे करके भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसके रिपे वाले ऑप्शन पे चलता हूँ तो कितने मेरे खाते में आए थे, कितने मुझे यहाँ पे रिपेमेंट करनी है, कितना मेरे ऊपर यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 3800 यहाँ पे 3300 रुपये मेरी यहाँ पे ईएमआई बनी है। उसके बाद यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं 7500 रुपये भी यहाँ पे बचा है और HDFC बैंक अकाउंट के अंदर मुझे जो बैलेंस था यहाँ पे रिसीव हुआ था। तो और जो मेरे खाते में आए थे तो पूरे 20,000 रुपये हमारे यहाँ पे अकाउंट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो यहाँ पे 7500 रुपये भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे कैश लोन देख सकते हैं जो कि मुझे इंस्टेंट यहाँ पे मिला था। तो यहाँ पे एक अच्छी एप्लीकेशन है, RBI द्वारा अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी साफ साफ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर यहाँ पे ऑटो डेबिट इज सक्सेसफुल, तो जब तक आपकी ऑटो डेबिट यहाँ पे सक्सेस नहीं होगी तब तक आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है मतलब EMI टू द ऑटो डेबिट, तो आपकी जो किस्त यहाँ पे ऑटो डेबिट होगी अगर आपके बैंक अकाउंट में उस टाइम पैसे ना हुए जब यहाँ पे किस्त कटनी है तो आपके ऊपर EMI का बाउंस चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है। तो एप्लीकेशन कौन सी है, कैसे अप्लाई करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है, तो सारा मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप मत करना। तो अगर आपको भी यहाँ पे 10,000, 20,000 या 50,000 रुपये का यहाँ पे लोन चाहिए तो आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने आपको सारा प्रूफ दिखा दिया कि एप्लीकेशन RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। तो 10,000 से लेके 20-30,000 रुपये का लोन आपको इंस्टेंटली आपको यहाँ पे 5 मिनट के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा और जो आपकी किस्त होगी वो ऑटो इनेबल आपके यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो है 5, तो 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। तो आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.4 की इसकी रेटिंग है और जिसके डाउनलोड भी यहाँ पे 1 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो जिसके 1 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है तो काफ़ी लोगों को इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिला भी होगा। तो 5,000 से लेके 5 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं, 2 मिनट के अंदर ही आपको लोन मिल जाएगा और 36 मंथ का आपको यहाँ पे EMI का टेनवर मिलने वाला है। 100% डिटेल प्रोसेस रहने वाला है, मिनिमम पेपर वर्क के ऊपर आपको एप्लीकेशन यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देगी जो कि एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे अगर आप सैलरी पर्सन है तो भी लोन ले सकते हैं और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी लोन यहाँ पे ले सकते हैं। और आपकी जो एज है 21 साल की यहाँ पे होने चाहिए, 15K का आपके पास एक इनकम का सोर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट लग रही है हमारे सिर्फ यहाँ पे लग रही है पैन कार्ड और एक साथ में आधार कार्ड, एक साथ में यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इंस्टेंटली आपको यहाँ पे बैलेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन भी पूरे तरीके से NBFC कंपनी है। तो मैं यहाँ पे मार्क करके भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो लैंडिंग रिलेटेड सर्विस,
प्राइमरी थाउड योर द हाउस आर बे रजिस्टर्ड एन बी एफ सी अर्ली सैलरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मली किनो द आशीष। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है पूरे तरीके से आर बी आई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है और आर बी आई के जितने भी रूल है एप्लीकेशन यहाँ पे फॉलो करती है। तो यहाँ पे भी साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्थन एयर्स कैपिटल लिमिटेड इसको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, इनक्रेट फाइनेंशियल सर्विस भी इसको प्रोवाइड करता है, वी विराट कैपिटल भी इसको प्रोवाइड करता है, आदित्य बिरला फाइनेंस भी इसको प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। यहाँ पे हमारे को लोन भी यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट का देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप इनसे बात करना चाह रहे हो तो यहाँ पे फोन नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन तो एकदम आर बी आई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। तो अगर आपको भी यहाँ पे एक लोन की जरूरत है 20 से 30 या 50 हज़ार रुपये की, तो इंस्टेंटली आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो इंस्टेंटली मुझे यहाँ से 20 हज़ार रुपये का यहाँ पे लोन मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइव प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।